नमस्कार, मैं पायल शुक्ला, आप सभी का स्वागत है N24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों। मशहूर उद्योगपति रतन टाटा का 86 साल की उम्र में मुंबई में हुआ निधन। रतन टाटा के निधन पर श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। पीएम मोदी ने दूरदर्शी बताकर जताया दुख, तो वहीं राष्ट्रपति समेत कई दिग्गजों का शोक संदेश। आज मुंबई के वर्ली शमशान भूमि में होगा अंतिम संस्कार। रतन टाटा के पार्थिव शरीर को कोलाबा स्थित उनके घर लाया गया। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया, जहां सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक आम लोग कर सकेंगे रतन टाटा के पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन। रतन टाटा के निधन पर उद्योग जगत से लेकर राजनीतिक जगत के तमाम नेताओं ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। तो वहीं रतन टाटा के निधन पर देश के कई राज्यों जैसे झारखंड, महाराष्ट्र में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई। इस दौरान सरकारी दफ्तरों में आधे झुके रहेंगे राष्ट्रीय ध्वज। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना यूबीटी ने कांग्रेस को हार का बताया जिम्मेदार। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को नहीं दिया महत्व, कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए किया पलटवार। नाना पटोले ने कहा, आरोप नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। मुंबई को पानी आपूर्ति करने वाली झीलें हैं लबालब, लेकिन बीएमसी अधिकारियों की लापरवाही के कारण मुंबई कर पानी की किल्लत से हैं जूझ रहे। बीएमसी अधिकारियों पर विपक्ष ने साधा निशाना। बीजेपी कांग्रेस उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक और विधायक बीएमसी के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। मीरा भाईंदर के केयरिंग हैंड्स सेवा कुटिल अनाथालय में 8 साल के बच्चे की आत्महत्या का मामला आया सामने। माँ के दूसरी शादी करने और अनाथालय में छोड़ने के कारण वह था मानसिक तनाव में। बच्चे का शव कुएं से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को उनके सहयोगी पार्टी ने दिखाया आईना। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के बाद अब शरद पवार गुट के नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने भी कांग्रेस को दी नसीहत। कहा, हरियाणा से कांग्रेस को लेना चाहिए सबक। मनोज रंगे पाटिल ने किया बड़ा ऐलान। कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदायों की आरक्षण संबंधी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो वह आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति का करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने बड़े फैसले का किया ऐलान। महाराष्ट्र की 15 जातियों को अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में किया गया शामिल। इससे चुनाव में महायुति सरकार को हो सकता है फायदा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने किया बड़ा दावा। महायुति का सीट बंटवारा हो चुका है फाइनल। महायुति के 235 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान दशहरा यानी 12 अक्टूबर को होगा। अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने विधानसभा चुनाव के लिए उप मुख्यमंत्री अजित पवार को बारामती से उम्मीदवार बनाए जाने की औपचारिक घोषणा की। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी तरह के ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।